सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ 50 सोशल मीडिया स्लैंग वर्ड्स। ये ऐसे वर्ड्स हैं, छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आप अपने सोशल मीडिया चैटिंग के दौरान यूज़ करते होंगे। शॉर्ट फॉर्म वर्ड्स है, स्लैंग वर्ड्स है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म वर्ड भी कहते हैं। तो मैं आपको 50 वर्ड्स दूंगा एंड साथ के साथ उसका फुल फॉर्म बताऊंगा एंड उसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि आप जो है इसको सोशल मीडिया चैटिंग के दौरान कहीं पे भी जब आप चैट करते हैं या कोई थर्ड पर्सन जब आपको इस तरह के वर्ड्स सेंड करते हैं तो आप उसका मतलब कैसे समझेंगे और इसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं। TMRW इसका मतलब होता है टुमारो, यानी आने वाला कल। TMRW टुमारो, आने वाला कल। WRT इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, यानी रिस्पेक्ट के साथ, विद रिस्पेक्ट टू। BRB इसका मतलब होता है बी राइट बैक, यानी जल्दी यहाँ पे वापस आना। बी राइट बैक यानी कहते हैं ना तुरंत वापस आओ यहाँ पे, तो इस तरह से आप कहते हैं BRB, बी राइट बैक। BTW इसका मतलब होता है बाय द वे, हालांकि, बाय द वे तुम्हें पता है क्या, तो वैसे कहते हैं BTW, बाय द वे, वास्तव में। CTA इसका मतलब होता है कॉल टू एक्शन, यानी कॉल टू एक्शन यानी आप जब कॉल करें और उस साथ के साथ एक्शन ले लें, जब गुस्से में जैसे आप कॉल करते हैं। तो CTR इसका मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, यानी जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है उसको जो है लोग कितना पसंद कर रहे हैं, कितने लोग तक पहुंचा और कितना पसंद करे, तो क्लिक थ्रू रेट। DM मीन्स डायरेक्ट मैसेज, DM मीन्स क्या होता है डायरेक्ट मैसेज, यानी पर्सनल मैसेज जब आप करते हैं तो कहते हैं DM। FTW इसका मतलब फॉर द विन, यानी जीतने के लिए। FWIW इसका मतलब होता है फॉर व्हाट इट्स वर्थ, यानी ये कैसे उपयोगी है। GF का मतलब होता है गर्लफ्रेंड, यानी दोस्त, जो गर्ल हमारी फ्रेंड होती है उसे हम कहते हैं गर्लफ्रेंड। HMU इसका मतलब हिट मी अप, यानी मुझे मारो या मुझे हिट करो। ICYMI इसका मतलब इन केस यू मिस्ड इट, इन केस यानी ऐसा हो सकता है या ऐसे स्थिति में यू मिस्ड मी, आप मुझे खो सकते हो। ILY इसका मतलब होता है आई लव यू। IMHO इसका मतलब होता है इन माई हम्बल ओपिनियन, यानी आप जो है अपना राय देते हैं बहुत ही विनम्रता के साथ, तो आप कहेंगे इन माई हम्बल ओपिनियन, यानी IMHO, बहुत ही प्यार और शांत स्वभाव से, आप शांत भाव से किसी को समझाते हैं तब कहते हैं IMHO। IMO इन माई ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब होता है आप अपना जब राय रखते हैं तो उसे कहते हैं ओपिनियन, अपना विचार प्रकट करना, तो इन माई ओपिनियन मेरे विचार से, तो IMO। JK जस्ट किडिंग, JK जस्ट किडिंग, बस मजाक कर रहा था या बस मजाक कर रहा हूं। LMGTFY लेट मी गूगल दैट फॉर यू, यानी मुझे गूगल करने दो तुम्हारे लिए। लेट मी यानी मुझे करने दो, गूगल दैट फॉर यू, लेट मी गूगल दैट फॉर यू, मुझे गूगल करने दो तुम्हारे लिए। LMK गूगल करने दो का मतलब है कि आप किसी वर्ड को या किसी चीज को सर्च करते हैं तो उसको गूगल करना कहते हैं। तो जैसे आप कुछ सर्च कर रहे होंगे तो आप तब ये यूज करेंगे LMGTFY, let me google that for you। LMK let me know, मुझे जानने दो, let me know, मुझे जानने दो। LMK। MCM man crush monday, MCM man crush monday। MMS multimedia message service, MMM multimedia message service। N oblique A not applicable or
नॉट अवेलेबल, एन ए मतलब आप जो है अवेलेबल नहीं है या अप्लीकेबल नहीं है, और का मतलब क्या होता है यहाँ पे या। एन बी डी नो बिग डील, यानी बहुत बड़ी बात नहीं है या बहुत बड़ी समस्या नहीं है, तो एन बी डी नो बिग डील। एन एस एफ डब्ल्यू नॉट सेफ फॉर वर्क, यानी काम करने के लिए जो है ये सेफ नहीं है या सुरक्षित नहीं है। ओ एम जी ओ माई गॉड, ओ एम जी ओ माई गॉड, जब हे भगवान जब शौक के साथ कहते हैं तो ओ एम जी ओ माई गॉड। ओ ओ ओ या ट्रिपल ओ, इसका मतलब होता है आउट ऑफ ऑफिस, यानी ऑफिस के बाहर। डबल ओ टी डी, इसका मतलब होता है आउटफिट ऑफ द डे, आउटफिट ऑफ द डे। ओ टी ओ एच ऑन द अदर हैंड, ओ टी ओ एच ऑन द अदर हैंड, यानी दूसरे हाथ में या दूसरे साइड से या दूसरी तरह से, मेरे हाथ में नहीं है, ऑन द अदर हैंड और दूसरे तरह से, तो तुम ऐसा सी बातें कर रहे हो, तो एक बात का जब दूसरा पक्ष होता है तो हम कहते हैं ऑन द अदर हैंड। क्यू ओ टी डी क्वाइट ऑफ द डे, क्यू ओ टी डी क्वाइट ऑफ द डे, यानी इस आज के लिए से छोड़ो, क्वाइट का मतलब होता है छोड़ना। आर सी एस रिच कम्युनिकेशन सर्विस, आर सी एच रिच कम्युनिकेशन सर्विस, यानी बहुत ही प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, यानी बातचीत की जो सर्विस होती है उसको हम कहते हैं आर सी एस रिच कम्युनिकेशन सर्विस। आर एन मीन्स राइट नाउ, आर एन राइट नाउ यानी जस्ट अभी या अभी के अभी। आर ओ आई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट के जो प्लेटफॉर्म है वापस आना। एस एम एस शॉर्ट मैसेज सर्विस, एस एम एस का मतलब क्या हो जाएगा, शॉर्ट मैसेज सर्विस। एस टी एफ यू, इसका मतलब होता है शट द स्वेयर वर्ड अप, शट द स्वेयर वर्ड अप यानी चुप हो जाओ, कसम से कह रहा हूं चुप हो जाओ। टी बी ए मतलब होता है टू बी अनाउंस्ड, टू बी अनाउंस्ड अनाउंस मतलब होता है घोषित करना, तो ये जो है घोषित होने जा रहा है या होने वाला है, तो टू बी अनाउंस्ड टी बी ए। टी बी डी टू बी डिसाइडेड, टू बी डिसाइडेड डिसाइड मतलब कहते हैं मतलब डिसीजन लेना, जब हम कहते हैं ना डिसाइडेड मैंने डिसाइड किया कि ऐसा करना, तो टू बी डिसाइडेड ऐसा डिसाइड होने जा रहा है। टू बी फ्रैंक, फ्रैंक का मतलब होता है मजाक करना, तो टू बी फ्रैंक मजाक के तौर पे। टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट जैसे टू बी ऑनेस्ट में बताऊं तो ऐसे ऐसी बातें हैं, तो जब ईमानदारी से आप किसी ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार होना बेसिकली, जहां पे आप झूठ को प्रकट नहीं करते, तो टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो उसने मुझे ऐसा नहीं कहा था, तो ऐसे हम कहते हैं टू बी ऑनेस्ट, बातचीत के दौरान ये यूज होते हैं बेसिकली। टी जी आई एफ, इसका मतलब होता है थैंक गॉडनेस इट्स फ्राइडे, यानी थैंक्स गॉड की आज जो है फ्राइडे है। टी एच एक्स थैंक्स, टी एच एक्स यानी थैंक्स धन्यवाद। टी एल ऑब्लिक डी आर मीन्स टू लॉन्ग, टी एल टू लॉन्ग डिडंट रीड यानी बहुत लंबा, इसलिए जो है इसको नहीं पढ़ा, कोई भी पैराग्राफ होगा जो बहुत ही लंबा होगा और आप उसे नहीं पढ़ते हैं तो आप कहेंगे टी एल ऑब्लिक डी आर टू लॉन्ग, टू लॉन्ग का मतलब बहुत लंबा, डिडंट रीड नहीं पढ़ा। टी एम आई टू मच इंफॉर्मेशन यानी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, तो टू मच। यू जी सी मीन्स यूजर जनरेट कंटेंट, यूजीसी यूजर जनरेट कंटेंट यानी यूजर ने खुद ही जनरेट किया इस कंटेंट को। डब्ल्यू सी डब्ल्यू वुमेन क्रश वेडनेसडे, डब्ल्यू सी डब्ल्यू वुमेन क्रश वेडनेसडे। वाई ओ
एल ओ यू ओनली लिव वंस, वाई ओ एल ओ यू ओनली लिव वंस, एक बार जो है सिर्फ मेरे साथ जियो, या मतलब साथ चलो। ए थ्री, या इसको आप ट्रिपल ए भी कह सकते हैं, एनी टाइम एनी वेयर एनी प्लेस। जब आपको इस तीनों वर्ड का यूज एक साथ करना हो तो आप कह सकते हैं एनी टाइम एनी वेयर एनी प्लेस, यानी ए थ्री या ट्रिपल ए। डबल ए एफ मीन्स एज अ फ्रेंड, यानी फ्रेंड होने के नाते एज अ फ्रेंड। डबल ए के, अलाइव एंड किकिंग, अलाइव एंड किकिंग डबल ए के। डबल ए एस, अलाइव एंड स्माइलिंग, डबल ए एस अलाइव एंड स्माइलिंग, जियो और खुशी से जियो, तो स्माइलिंग मतलब खुश रहना, अलाइव मतलब जीना। ए बी डी, ऑलरेडी बीन डन, ए बी डी ऑलरेडी बीन डन, यानी इसको पहले से ही जो है इसको कर दिया गया है। ए बी टी मीन्स अबाउट, यानी के बारे में, या किसी के बारे में कहना हो कि इसके बारे में उसके बारे में, तो ए बी टी शॉर्ट फॉर्म है जो अबाउट का, ए बी टी यानी के बारे में या बारे में। सो ये थी आज की हमारी 50 वर्ड्स। होप सो आप लोगों के वर्ड्स अच्छे लगे हो। अगर वर्ड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, एंड कैसे लगे वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह के जो है कंटेंट हमेशा लाते रहते हैं, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, तो आप इन कंटेंट को मिस ना कर दें। इसके लिए जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको इंस्टेंट जो है उसी टाइम में उसका नोटिफिकेशन मिल सके, एंड आपको जो है हमारी वीडियो हैंड टू हैंड मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के और भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।